नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष नहाके और मेरे इस यूट्यूब चैनल संतोष नहाके में आपका स्वागत है। तो आप मेरे पीछे देख रही है, मैं अभी गांव में आया हूँ, गोसाई टोला में। हाँ, कट्टीपार और कालीमाटी सरकार टोला है, इसके बीच में गोसाई टोला। तो आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे मतलब घर में मौसम्बी का झाड़ है। ये मौसम्बी लगे हुए हैं, ये देखो अभी बहुत छोटे छोटे हैं। ये देखिए, ये मौसम्बी जो है ये अभी छोटे छोटे हैं, ये मौसम्बी लगे हुए। तो मैंने बहुत बार खाया इसके फल, तो बहुत अच्छे मीठे भी लगते, देखिए। तो मतलब देखो, अभी ये बहुत बड़े बड़े बहुत सारे भी हैं फल यहाँ पर। तो ये देखिए, ये मौसम्बी लगी हुई है, अभी कच्ची है, ये अभी पकेगी। हाँ, मतलब कम से कम इसको अभी 15-1 महीना तो भी लगेगा। हाँ, तो ये पेड़ ना मेरे पिताजी ने लगाया, ऐसा उनका कहना है। हाँ, ये देखिए, ये इतना बड़ा हो गया है। और अभी रिसामा में हमारा घर है, तो वहाँ पर भी मौसम्बी का एक बड़ा पेड़ है, पर वो अभी तक लगा नहीं है। ये देखिए, ऐसा है। और ये देखिए, इधर आपको अच्छे से दिखा दो। और ये देखिए, ये है पूरे फल लगे हुए, फलदार। हाँ, तो अब ये छोटे भी हैं। और ये केला है, देखो ये केला, कच्चा केला लगा हुआ है, ऐसा है। तो और ये फनस का झाड़ है, फनस लगी, अभी लगी नहीं है, गर्मी में लगती है। तो फनस ये भी बहुत बड़ा, बहुत पुराना पेड़ है ये, मतलब इसको कम से कम 40-45 साल से ज़्यादा हो गए। देखो ये है। तो यहाँ पर आम के भी पेड़ है, ये कलमी वाले। तो अब क्या होता है ना, यहाँ पर जो है मतलब गांव में आपने देखा होगा कि घर के नज़दीक नज़दीक में बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे रहते, फल वाले पेड़। तो ये आप देख रही है जो है, ये बड़ा सा जामुन का पेड़ है। ये जामुन का पेड़ हो गया, और ये हो गया इमली का पेड़। अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये इमली लगी हुई यहाँ पर। और बाजू में आम का भी पेड़ है, और नीचे में सीताफल की भी पेड़ है। मतलब गांव में आपको हर प्रकार के पेड़ मिल जाएंगे, हर प्रकार के। और ये देखो, ये अभी मेरे भाई जो है, काके भाई, तो इसको अभी झोपड़ी मिली थी, वो गवर्नमेंट सरकारी झोपड़ी नहीं क्या, ये अभी इसका काम मतलब अभी बंद हो चुका है, आधा बन के तैयार हो गया। तो और ये देखिए, ये बड़ा सा आम का पेड़ है, जिसके मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए अपने गर्मी में। ये देखिए, इतना बड़ा है ये आम का पेड़। और मैंने घर पर भी मैंने आम के बहुत सारे पेड़ लगाए, उनको अभी मुझे बड़ा करके घर पे ही कलम करना है। ऐसा देखिए, जब मैं छोटा था तो ये जो गोठा है गाय का, यहाँ से ऐसा मतलब यहाँ से एक कम ऐसी दो कमरे थे, फिर ये कमरा, फिर ऐसे बना रहे थे। हाँ, जब मैं छोटा था। तो अब देखिए, मतलब समय के साथ साथ सब टूट फूट जाता है, और इसको तोड़कर अभी ये नई जो है झोपड़ी यहाँ पे बनाए। ऐसा इस तरीके का ये गोठा है, और ये मतलब गाँव का घर पूरा, मतलब अब पुराना हो गया, बहुत साल 40 साल से ज़्यादा ये इसको भी हो गए।